आप सभी लोगों का हमारी शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम जब बात करेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है रेन्यूकुलस, ये सेम टू रोज़ की तरह होता है। आप इसको सिर्फ इसकी लीव्स से और इसकी स्मेल से आप पहचान सकते हैं कि ये रेन्यूकुलस है या रोज़ है। तो रोज़ की वैरायटी जैसा होता है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है इसमें और बहुत ज़बरदस्त। तो जो आज क्वेरी के हिसाब से मैंने आज वो टॉपिक को निकाला है, इस फूल को निकाला है जो आपके सामने लेके आई हूँ, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की इसकी वैरायटी होती है, 50 रुपीज़ से लेके हमारे यहाँ 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ की रेंज में मिल जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इनको जब भी आप लगाना, अगर सीड से चाहते हैं तो सीड्स के लगाने का 15 अगस्त के बाद है, और इसकी अगर पौधा आप लगाना चाहते हैं जो रूट से हमें लगाते हैं वो उसके आपको लगाइए अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता है, ग्रोथ के बाद ये नवंबर के महीने में लास्ट वीक तक फ्लावरिंग करने लगता है, दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल तक ये फूल देता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग आपको देता है। अगर आपके यहाँ हमेशा सर्दी रहती है, ये मौसम ठंडा रहता है, तो पूरी साल ये प्लांट रहता है, ये ठंडक को पसंद करता है। देखिए, कुछ लोगों का रिक्वायरी ये थी कि हम नर्सरी से इस प्लांट को लेके आते हैं और इसमें अच्छी फ्लावरिंग बस सिर्फ तब तक होती है जब ये नर्सरी से लेके आती हूँ, हम रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद से एक फूल के बाद दूसरे फ्लावरिंग नहीं आती है। हमारे घर में आके प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं करता है या इसमें फ्लावरिंग नहीं आती। तो कोशिश ये है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी, और इसके बाद मैं ये कह देती हूँ कि देखिए सनलाइट प्रोवाइड अच्छी कीजिएगा इस प्लांट को। अगर सनलाइट अच्छी मिलेगी, जैसे कि ओपन सन में रखा है और विंटर की प्रॉपर सनलाइट पड़ रही है, तो यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। लिक्विड फर्टिलाइजर की मैं बात कर लेती हूँ, मैं नीम खली मस्टर्ड खली की बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर होता है इस फ्लावरिंग प्लांट के, हफ्ते में एक बार देना, या आप बनाना का फर्टिलाइजर आप हफ्ते में एक बार दे दीजिएगा। तो आप भाई इसको मिट्टी हमने वेल्डन सॉइल आपको बताई, मैंने भी चैनल पे काफ़ी वीडियो इस पर पड़े हैं, आप चेक कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल अच्छे से तरीका बताया है कैसे इसी मिट्टी पसंद है, पूरी आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। तो जो मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ, जगह आपके यहाँ फ्लावरिंग नहीं आ रही है और हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ। देखिए, मैं ना जो आपको ये बता रही हूँ, जो इतने ढेर सारे फूल हमारे प्लांट में आप देख रहे हैं, तो इनको क्या करना होता है, जो इसको कट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो फूल होते हैं उनको हमें कट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इनको कट नहीं करेंगे, जैसे कि अभी नहीं कह रही हूँ मैं आपको, ये नहीं कह रही हूँ मैं आप अभी इसको कट कर दीजिए अच्छे फूल के लिए हुए, ये नहीं, जब ये फ्लावरिंग मुरझा जाती है, जैसे कि पुराने फूल हो जाते हैं, तब इनको आपको कट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कि जो हम फूल होते हैं, जो पुराने फूल हैं हमारे गार्डन में या हमारी कोई भी ब्रांचेस में निकले हैं, ये देखिए आपको ये फूल दिख रहा है ना, इस तरह से फूल जब हमारे प्लांट में हो जाते हैं, इसलिए कि सारी एनर्जी जब हमारा पुराना फूल हो जाता है, सारी जो फूल की एनर्जी है ये बीज बनाने में कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसमें लगा रहने देते हैं, और सारी जो एनर्जी हमारे प्लांट की अच्छे से ब्रांचेस को नहीं मिल पाती है, या नए प्लांटों के लिए वो नहीं, उसका डिवाइड इधर दिमाग इधर हो जाता है कि हमारे बीज बन रहे हैं, तो बीज बनने में सारी एनर्जी कर देता है, तो न्यू जो ब्रांचेस हैं, न्यू फ्लावरिंग है वो नहीं आती है। तो कोशिश ये कीजिए, जब भी अपने आप प्लांट की जो कटिंग करनी है नीचे से कीजिएगा, जो नीचे ब्रांचेस होती है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ब्रांचेस है, इस ब्रांच से कटिंग कीजिएगा। जब भी आप ब्रांचेस कटिंग करेंगे कि और भी जो लीव्स होती हैं अगर उसमें आप रखेंगे तो वो फिर उसको एनर्जी वहाँ तक प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, ये देखिए बीज आपको जब भी इसके लेने हैं तो अप्रैल के महीने का जो फूल होता है या मार्च के महीने का फूल होता है उसको रखिएगा। देखिए इसमें, देखिए फूल इस तरह से इसमें बीज बन जाते हैं, तो ये सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है, तो फिर हमें अच्छे फ्लावरिंग के लिए और न्यू कलियाँ नहीं मिलती हैं, न्यू फ्लावरिंग नहीं मिलती, इस ये वजह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें फूल की जो टिप होती है वहाँ से पूरा कट कर देना चाहिए। इतने खूबसूरत फूलों को तो नहीं काटूंगी मैं अभी, जो भी ये डेड हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे तब, और जब पुराने हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद का रिजल्ट मैं दिखाऊंगी, मैं सारे फ्लावरिंग जैसे डेड होगी मैं आपको चलिए थोड़ी दिन में दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये मैंने वो प्लांट है जिसमें मैंने सारे प्लांटों की वो फूल जो डेड हो गए थे मैंने सारे हटा दिए थे, उसके बाद की देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। जब आप 15-20 दिन बाद या 10 दिन बाद देखेंगे तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, ब्रांचेस नहीं आ जाएंगी, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग के लिए भी रेडी हो जाता है। तो ये ऐसे रुक रुक के फूल हमको देता रहता है अप्रैल तक, और देखिए मैं इसमें देख रही हूँ कि नई कलियाँ भी ज़रूर आई होंगी, कि जब हम नया ग्रोथ बनाते हैं, देखिए दूसरा प्लांट में भी अपने आप निकल आया है, तो देखते हैं कोई कली है। हाँ देखिए,
एक कली दिख रही है मुझे, देखिए एक बनना स्टार्टिंग हो गई है। तो जब भी आप पुराने फूलों को हटाएंगे, जब भी पुराने फूलों को हटाएंगे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए कलियाँ स्टार्टिंग हो गई हैं। तो ये कलियाँ जैसे आप देख रहे हैं ये मेरे यहाँ मार्च तक अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला। इसी तरह मैं एक रूटीन होता है, एक चक्र होता है कि इनको हम खिलेंगे, खिलने के बाद इनको हटा देंगे, फिर न्यू आ जाएंगे, न्यू ब्रांचेस आ जाएंगी, न्यू फ्लावरिंग आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर करिएगा। नहीं करेंगे तो फिर आपको आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा धीरे धीरे। और एक बात कहो जरूर खिलाएँ, जब भी प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी हमेशा सूखी होनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं देना अपने प्लांट को। अच्छी फ्लावरिंग के लिए सनलाइट एंड मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सनलाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम अपने 5 इंच के गमले से लेके इसको हम 10 इंच के गमले में रख सकते हैं। अगर 2 प्लांट हैं तो 10 इंच के गमले में आप लगा दीजिए, अगर 1 प्लांट है तो 5 इंच के गमले में, 7 इंच के गमले में इस तरह से आप लगा दीजिए, बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, बहुत ही प्यारी इसमें फ्लावरिंग मिलने वाली है। तो जो मैंने छोटा सा तरीका आपको बताया है बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग मिलने के लिए, तो ये जरूर फॉलो कीजिएगा और अप्रैल मई तक बहुत ही प्यारी प्यारी फूल लीजिएगा। चलिए इसके अकॉर्डिंग और भी कोई जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमारी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना जरूर याद रखिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।